गुमला कार्तिक उराव महाविद्यालय गुमला में इस वर्ष इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं होगी। फंड की कमी व कर्मचारियों की कमी के कारण कॉलेज प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि कॉलेज प्रबंधन के इस निर्णय से सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। कार्तिक उराव महाविद्यालय में इंटर की तीनों संकायों की पढ़ाई होती है और हर साल सैकड़ों विद्यार्थी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कर निकलते हैं। गुमला आदिवासी बहुल जिला है और कार्तिक उराव कॉलेज वर्षों से जिले के विद्यार्थियों के सपने को साकार करते आया है। जहां पढ़ाई पूरी कर विद्यार्थी अपने सपनों को पंख देते हैं, लेकिन अचानक कॉलेज प्रबंधन के निर्णय से क्षेत्र में गरीब बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाएगा, क्योंकि कार्तिक उराव महाविद्यालय में कम खर्च पर बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त करते हैं। गुरुवार को सैकड़ों विद्यार्थी कॉलेज नामांकन फॉर्म लेने पहुंचे, लेकिन यह जानकारी उन्हें काफी निराश हुई। कॉलेज में नए सत्र की पढ़ाई के लिए फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। विद्यार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावक भी बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। कार्तिक उराव कॉलेज गुमला में इस सत्र में नए छात्रों के एडमिशन के संबंध में समिति ने यह निर्णय ली और जैक को एक चिट्ठी भेजा कि अब हम इंटर चला पाने में फंड की कमी के कारण असमर्थ हैं। यदि जैक स्कूलों के तरह हमको भी फंडिंग करे तो हम लोग कुछ दिन तक चला सकते हैं। कि गवर्नमेंट यह डिसीजन ली थी कि इंटर को यूजीसी से हटा के अलग किया जाए, उसी के तहत जैक बना और जैक स्कूल के अधीन आया। स्कूल में प्लस टू जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई और यह जुटा, लेकिन तब तक गुमला में इतने स्कूलों में प्लस टू जुड़ नहीं पाया था। अब बहुत स्कूलों में प्लस टू जुड़ गया है, इसलिए मेरे पास अब विद्यार्थियों की कमी हो गई है। विद्यार्थी नहीं आएंगे, मेरे पास फंड उपलब्ध नहीं होगा और कॉलेज स्टाफ को वेतन दे पाने में समर्थ नहीं है। सर, में हमको जरूरत होता है 20 टीचिंग स्टाफ, थर्ड ग्रेड स्टाफ 10 और फोर्थ ग्रेड स्टाफ 10। इतने संख्या के बगैर उस व्यवस्था को संचालित कर पाना समर्थ नहीं है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।